इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान में अपनी बल्लेबाजी से गदर मचाने के बाद अब इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में तबाही मचाई है। ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ न सिर्फ करियर की बेस्ट पारी खेली बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 169 गेंद पर नाबाद 184 रन बनाए। इसके साथ इंग्लैंड के इस युवा बल्लेबाज ने भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हैरी ब्रूक टेस्ट मैच की शुरुआती 9 पारियों में 800 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दरअसल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉले 2 रन और बेन डकेट 9 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं तीसरे नंबर पर आए ओली पॉप 10 रन ही बना सके। 21 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड की टीम मुश्किल में पड़ गई थी, लेकिन इसके बाद रूट और ब्रूक ने पारी को संभाला और 294 रनों की शानदार साझेदारी कर स्टंप तक टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। रूट 101 रन और हैरी ब्रूक 184 रन पर नाबाद हैं। अपनी इस पारी के बदौलत हैरी ब्रूक ने 145 साल बाद कई दिग्गजों को पछाड़ते हुए एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।